हजरत अबू अली मोहम्मद बरकत अली कुसर और अजीज का यौम वलादत बसादत सिलसिला आलिया के लिए खैर बरकत का मुझे माशाल्लाह। इसी हवाले से आपके मकालात से हिकमत पढ़ने और सुनने की सआदत हासिल करनी। इन मकालात के हिकमत की तकरीब व तदीन मैं साहब अनीस मोहम्मद बरकत अली कुसर और अजीज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमे वलादत बसादत या रब्बी सुल आलम अल इकराम तेरा ये बंदा अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली ओकियान है दिल वालदैन निगाही बख्श व जन्नत बीबी दरवेशर वरा हजरत बाबा दंदू शाह रहमतुल्लाह अलैह रौनक अफरोज नबे दरियाए सतलुज की औलाद में से है और चाहे विलायत हकीम अमीर उल हसन सहारनपुरी कुसर और अजीज का मुरीद उल अनाब है। अल्लाह मतलूब जिंदगी मंजिल और नफ्स मुसाफिर है और कोई मुसाफिर बूढ़ा हो या जवान कभी राह में डेरा नहीं जमाता जब तक सफ़र ख़त्म नहीं होता बराबर चलता रहता है। इस राह में चलना है तो हयात व ममात के तमाम दफातर अल्लाह ही के हवाले करके चल। मौत व हयात से बेपरवाह होकर अल्लाह ही के जिक्र व फिक्र में महव रहा कर यही तेरी ज़िंदगी की मंजिल और किसी पे तेरा दारो मदार। महवियत एक गैर फरामोश जिक्र है। महवियत जब सारी हो जाती है मकसूद व मसलूब के सिवा किसी और तरफ कोई इल्तफात नहीं रहता मुतलक नहीं रहता। तेरा ख्याल हर ख्याल को बुला देता है इसी तरह तेरी याद हर याद को। महदीयत का जो मकाम मेरे आका मेरे दिल पर मेरे जानी हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद सावर कलियरी कुसर और अजीज को इनायत हुआ नाज़िलुल मिसाल और काबिले दाद व तहसीन है। आप 12 साल करियर में गुल्लर की शाख को थामे महवे लल्ला रहे। अल्लाह अल्लाह आदम की औलाद के रिकॉर्ड माफ कर गए। इंसान चंद घंटे तक महवियत के आलम में खड़ा रह सकता है इतनी तवील मुद्दत हवा फांक कर मोहब्बत की जोर जगाते रहे कभी ना डगमगाए। महबूब सामने था फिर क्यों कर घबराते परिधि कंदील मच उठी रोशन हुई हर आलम को चमकाने लगी। मम्बाए शेरे नबूवत हम बनाए हैदरी मम्बाए शेरे नबूवत हम बनाए हैदरी आफ्ताबे किसियां मखदूम साबर कलियरी। किसी भी तारीख ने आज तक इस किस्म का कोई वाक्या पेश नहीं किया कि कोई तेरी मोहब्बत के नशे में चूर होकर बगैर कुछ खाए पिए 12 साल किसी दरख्त की चाक को थामे खड़ा हो। ये आला दर्जे का नमूना उन्हीं को इनायत हुआ मुबारकन मुकर्रमन मुशर्रफन। तेरा हाल ही मेरे दिल का चिराग है साल हा साल गुंडर शरीफ को थामे बैठ रहना ना कुछ सुनना और ना कुछ कहना महवियत की हद नहीं तो क्या थी। तेरी महवियत की मिसाल नहीं मिलती तेरा नाम अलाउद्दीन है तेरा नाम ही तेरी शान का मजहर तेरे जलाल को
देखा जाता है न सुना। देश प्रदेश फिरी, तेरा कोई हम पाया न मिला, है ही नहीं किसी भी विलायत के वली को। ये सिर्फ हासिल न हुआ कि मस्जिद में किया सिजदा साबर तेरी गली में। अलाउद्दीन मेरे पीर की रग रग में रचा हुआ था, जब जोश में आते अलाउद्दीन कहते और कहने पे मजबूर हो जाते, मस्जिद गूंज जाती। तारीख शाहद है, बंदा किसी मकबूल बंदे से मिलकर ही वासिल बिल्ला होता है, वरक गर्दानी से नहीं। चाहे वो मशहूर ब्राह्मण होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह की तलाश में निकला था, अल्लाह की तलाश में निकला था, अलाउद्दीन को पाया, दीवाना था, मस्ताना बना, बहरे उलूम के ज़खायर खुले, अजायब गरायब उसके मिले, कुदरती निजाम ने आगोश पा की, तेरी बका की चादर सदा तनी रही। किताबुल अमल में सुन्ना अल मारूफ तरतीब शरीफ मकशूफात मनाजले एहसान अस्माउल नबीउल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकालात हिकमत तेरी इनायात बेपाया है। एजाज भी कहे तो भेजा नहीं मेरे आका, तेरी याद मेरे दिल के चिराग का तेल है। ये दिया कभी गुल ना हो, सदा रोशन रहे, तेरी प्रीत के गीत हम गाते ही रहेंगे। ऐ ओ यक्ता दुआ, तेरी नजीर नहीं मिलती, न हुआ न होगा, क्या ये नाज काफी नहीं। सिर्फ ये याद है और ये नाज है कि बचपन में मुझे एहराम बांधा, और ये हक़ुल यकीन है कि एहराम कभी बातल नहीं होता। एहराम दो असूल पे मबनी, दुनिया से बेरग़बत, रब की तरफ राग़िब। तवज्जो किसी और तरफ राग़िब ना हुई और तेरी तवज्जो ही की बदौलत ये बरकात हुई। कायनात की कोई भी चाह किसी भी अंदाज में तुझे खेरा न कर सकी। इनायत नहीं तो क्या है, करम नहीं तो क्या है। पास पानी मर्दों की अमानत, पास पानी मर्दों की अमानत, तेरी पासबानी बड़े ही काम की चीज है। ऐ ओ यक्ताए दुआ, तेरी निस्बत हम खाक नशीनों के बड़े ही काम आई, हर किसी के काम आई। देखने में तो कुछ भी नहीं, तेरे बनाए हुए बहुत कुछ हैं। तेरी निस्बत के बगैर कोई किसी को पूछता तक नहीं, कौन मियां कहां से हो। तरीकत में मुनासिबत नहीं होती, एक होकर और एक बनकर ही कोई किसी का कहलाता है। न पीर है न फकीर, जो कुछ भी है साबर साहब के मलंग है। आशिक भी है माशूक भी, फरजंद भी है दिलबंद भी, खाक रूप भी है खाक नशीन भी। इसी खाक नशीनी पे हम फूले नहीं समाते और माँ सिवा को किसी खातर में नहीं लाते। दम बनाते बैर वर का सफर जारी रखते हैं। सली गुजरने पे आई कसद और अजब क्यों का तू, फिर फिराकर सारी कायनात को देखकर
जहां आना था आ गया। दरख्त तो तले यही जगह मेरी जिंदगी और आखिरत का बसेरा है। जज्ब व सलूक की हर मंजिल आसपत ही के साया तले परवान चढ़ी। इस नाजो अंदाज से कमाल शक्कर से पाला मिसाल नहीं मिलती। जी भरकर खिलाया पिलाया और सुलाया, फिर चिराग से कुरान अजीम से कामदन फरमाया। आखिरी अमल बेहतरीन अमल होता है। कुरान अजीम का एजाज कायम दायम तिलावत दिन हो या रात, न रुके न थके, कोई भी मसरूफियत मुखर ना हो। हजरत वफीर बिन हारिस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मुआज, अगर तुम नेक वक्तों की जिंदगी, शहीदों की मौत, हशर के दिन निजात, मौत के दिन अमन और अंधेरों में रोशनी और गर्मी के दिन साया और प्यास के दिन सैरी और खिफत के दिन वजन और गुमराही के दिन हिदायत चाहते हो तो कुरान पढ़ो, क्योंकि वो रहमान का जिक्र है और शैतान से बचाव है और तराजू में झुकाव है। किताबुल अमाल किताबुल अमल में सुनना। कुरान करीम की तिलावत इंसानी जिस्मत वजूद के लिए ऐसे है जैसे सालों से तपती हुई जमीन के लिए अमरे नीसा। तपती हुई जमीन पर भी कभी कोई सब्जा होगा? जमीन जब शराब हो जाती है फिर उसमें तरह तरह की नबातात खुद ब खुद हो जाती है। कुरान करीम की तिलावत कलब की तहारत, बसारत की इफ्फत और समाज की सोते सरमदी का अंसम मामूल है। और कुरान करीम की तिलावत ही से जिस्म और वजूद के अंदर और बाहर गोश्त और पोश, रग और रेशे शादाब और जिंदा और मुनव्वर होते हैं। हत्ता के जिस्म का हर रोज अपनी मतलूबा नूरानियत हासिल करता है। कुरान करीम की तिलावत दिल के बाग की बहार है। अल्लाह से हम कलामी तिलावत कुरान करीम अबद सुनाता है, माबूद सुनता है। अबदो माबूद के हुजूर में अबद माबूद के हुजूर में क्या क्या नहीं सुनाता और माबूद क्या कुछ नहीं सुनता। शब रोज कलाम जारी रहता है। फजल नहीं तो क्या है फजल रब्बानी, इनायत नहीं तो क्या है इनायत सुभानी, और फैज किसे कहते हैं। ऐ वो राजन के महाराजन, तेरा कलाम मखलूल है इदराक से बड़ा बड़ा, इसी तरह फैज। या फैजल बरकात बारहा देखा, अकल श्रेष्ठ रही सिद्धा रही हुई, तेरी नाद बड़ी अदा और कबाव का शुक्रिया मन को ले दे गई। ऐ ओ मेरे पर्दा नशी माशूक, तेरे मत की राख मेरी आंखों का अंजन है। कदीम तरीन रस्म का एक जुज मत है और हम मत ही सुलगा रहे हैं। ये दुनिया कूड़े ही का ढेर है और हम माशाल्लाह हर शय मत में जलाकर राख बना देते हैं, और ये राख हमारे हुसन का निखार। तरीकत में मलंग इस राख को खाके शिफा कहते हैं। तेरे मत शरीफ की राख जिन्नो इंस के लिए शिफा का मूजिब
माशाल्लाह या हयो या कयूम अल्हम्दुलिल्लाह या कयूम वल्लाहु खैर राज़िकीन वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल ज़ाहिर रहमान रहीम अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी सरकार के फैजान से हमको पढ़ने सुनने की सहादत मिली इसके ऊपर अमल की तौफीक नसीब फरमा या क्यों सब की नेक नजात को पूरा फरमा सब की झोलियों को सरकार के फैजान से भर दे या क्यों सरकार के फैजान सहर से पूरी दुनिया को फैलिया फरमा वो अली शैफ आलम पाक की बरकत फकरों दर को समझे वो तय करे सब रजा या इलाही शाह बरकत की विनायत के सुपैर फिक्रों 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 जो तबलीग को मुझको अदा तो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।